दोस्तों, यदि आपका फ़ोन कभी खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आई नो मोस्टली लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके माइंड में इनफाइनिट क्वेश्चन चलते रहते हैं कि मैंने अपने स्मार्टफोन को कहाँ रख दिया, या मुझसे मेरा स्मार्टफोन गिर गया, या किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया, ETC। मतलब हम इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं जैसे कि हमारी लाइफ में कोई भूकंप सा आ गया हो। बट दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इंडिया में मोस्टली लोग करते क्या हैं, उनका फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए तो वो डायरेक्टली यही सोचने लगते हैं कि चलो खो गया तो छोड़ो, उसे दूसरा फ़ोन ले लेंगे, या फिर सिम कार्ड की बात आती है तो वो कहते हैं सिम कार्ड भी दूसरी ले लेंगे। बट दोस्तों, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा फ़ोन चोरी होने के बाद हमारे साथ, जैसे किसी भी पर्सन को मिल जाता है, तो हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और हमारे फ़ोन का मिसयूज हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपका फ़ोन हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाली है आपके लिए, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। टाइम की वैल्यू को समझते हुए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे हमारा फ़ोन चोरी या खो जाता है तो उसमें सबसे पहले हमें स्टेप उठाना चाहिए, हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, बट हमें इस सिचुएशन में अपने माइंड को कूल रखना है और उससे काम लेना है। दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा उस टाइम कि हमने अपने फ़ोन को लास्ट बार कहाँ रखा था, या हमने अपने स्मार्टफोन को लास्ट बार कहाँ दिया था, या हम कहाँ से अभी आ रहे हैं, जैसे हमारा फ़ोन गिर गया है ETC। इन सारी चीज़ों को आप सोचते हैं तभी आप अपने फ़ोन तक पहुँच पाएंगे। और स्टेप इसमें आता है कि आपको तुरंत ही अपने स्मार्टफोन पर कॉल करनी है, और मोस्टली लोग ये करते भी होंगे। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला कि आपकी कॉल लग जाती है, आपका फ़ोन रिंगिंग पे आता है। ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए आपका फ़ोन अभी आपको मिलने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन दूसरा जो मिलता है कि आपका फ़ोन ऑफ जाता है, तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अब आपका फ़ोन किसी ने चुरा लिया है और देन अब आपको फ़ोन आपके पास नहीं आने वाला। दोस्तों, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना चाहिए। हमारे स्मार्टफोन में जो भी सिम कार्ड पड़े हुए हमें जल्दी से उसको ब्लॉक करा लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे फ़ोन के सिम कार्ड को ब्लॉक कराने के मैं इसलिए कह रहा हूँ, दोस्तों हमारे सिम कार्ड से ही हमारे सारे अकाउंट लिंक होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, FB, ETG, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, और यहां तक कि हमारे बैंक अकाउंट हमारे सिम से ही अटैच होते हैं। दोस्तों, ऐसे में हमारे साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है या हमारी सिम का मिसयूज हो सकता है, जिससे हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो फर्स्टली हमें अपनी सिम कार्ड को ब्लॉक कराना चाहिए। इसके लिए आप जिस भी नेटवर्क की सिम को यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क के कस्टमर केयर पर कॉल करके आप अपनी सिम कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है, यदि आपका फ़ोन एंड्रॉयड था तो आपको फाइंड माई डिवाइस, एंड iOS था तो फाइंड माई सर्च करना है गूगल पे। इससे होगा क्या कि आप अपने फ़ोन में, यदि आपके फ़ोन में लॉक नहीं था तो आप यहां से ही लॉक लगा सकते हैं, एंड आप अपने फ़ोन की लास्ट लोकेशन तक पहुंच सकते हैं जहां आपका फ़ोन ऑन था या आपके फ़ोन में नेटवर्क थे वहां तक, एंड आप अपने फ़ोन के डाटा को इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्टली आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने को फाइंड माई डिवाइस को सर्च करना है, पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी उस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करना है जो आपके फ़ोन में ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड थे। ऐसा आप डायरेक्ट करते हैं तो आपके फ़ोन की लास्ट लोकेशन, और आपको यहाँ से ऑप्शन भी मिल जाते हैं कि आप अपने फ़ोन के डाटा को इरेज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, एंड आप अपने फ़ोन पर जो लॉक नहीं था तो आप यहाँ से कोई भी एक सिक्योरिटी लॉक यहाँ से लगा सकते हैं। दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद भी आपका स्मार्टफोन आपको नहीं मिलता है तो फाइनली आप समझ लीजिए कि आपका फ़ोन गया, गया तो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है कि आपको अपने फ़ोन के IMEI नंबर को ब्लॉक करना है। ऐसा करने से आपके फ़ोन का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा और आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। दोस्तों, एक बार आप अपने फ़ोन के IMEI नंबर को ब्लॉक करा देते हैं तो जिसके पास भी वो फ़ोन पहुँचा या जिसने आपके फ़ोन को चुराया है, वो उस फ़ोन में कोई भी सिम कार्ड एंटर नहीं कर सकता और वो फ़ोन केवल और केवल विदाउट सिम कार्ड चलने वाला, जिससे आपका फ़ोन मिसयूज नहीं होने वाला। दोस्तों, इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना है, CEIR.gov.in। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इस वेबसाइट को चलाता है और सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आप डायरेक्टली अपने फ़ोन के EMEI नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस वेबसाइट पर जब आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे उससे पहले आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे फ़ोन चोरी की कंप्लेंट दर्ज करानी रहेगी, और जो भी आपको पुलिस स्टेशन जो भी रिसीविंग एक पेपर मिलेगा
उसको यहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के साथ साथ अपलोड करना रहेगा। देन आप वेबसाइट पर जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको लॉस्ट मोबाइल, इस पर क्लिक करके आप एंटर करते हैं, एक फॉर्म टाइप में आपको मिल जाएगा। इसको आपको अपनी डिटेल भर देनी है, जो आपके फ़ोन नंबर मोबाइल में जो सिम थी और काफ़ी चीज़ें इसमें भर देनी है अपनी डिटेल। आपको EI नंबर को यहाँ से ब्लॉक कर देना है। अब आपका फ़ोन सेफ हो चुका है, अब आपके फ़ोन के साथ कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता जिससे आप प्रॉब्लम फंस सकें। दोस्तों यदि आप IMEI नंबर ब्लॉक कर देते हैं एंड देन बाद में आपको आपका फ़ोन कैसे भी करके मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली अपने इसी साइट पर जाने के बाद इस नंबर को अनब्लॉक कर सकते हैं और आप अपनी मोबाइल में कोई भी सिम इंसर्ट करके चला सकते हैं। दोस्तों ये सारे स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आपका फ़ोन चोरी हो भी जाता है तो भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ रहेंगे। और इन स्टेप में से किसी एक दो स्टेप से आपका फ़ोन मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो जरा से भी हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लोग के काम आने वाली है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों की हेल्प हो सके। दोस्तों यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।